It's so good. तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गए हुए एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ। सो इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप एनिवर्सरी वीडियो कैसे बना सकते हो। और ये जो कंटेंट है ना, वो मैंने टेलीग्राम पे पूछा था भाई लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मेरे को इस वाले सॉन्ग पे, मतलब इस वाले कॉन्टेंट पे ऊपर बनाने के टॉपिक के ऊपर बनाने के लिए बोला था। अगर नेक्स्ट वीडियो में देख लेता हूँ कौन सा ला रहा हूँ, बट ये वाला जो है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भाई ने मेरे को कमेंट करा था, आई मीन कि टेलीग्राम पर कमेंट करा था और यूट्यूब पे नहीं करा। सो जो लोग YouTube पे करना चाहते हैं YouTube पे भी कर दे, तो उनका भी कमेंट में पिक करके आगे वीडियोस बनाऊंगा। सो सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, और प्रीव्यू दिखाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पे नहीं है, पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक कर सकते हो। सो लाइक और डिसलाइक आप पे डिपेंड है, वो बाद में कर लेना, और कमेंट का भी कर देना अगर मन हो तो। सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो प्रीव्यू कुछ इस सबसे देखने को मिलेगा। सो गाइस, यार इस टाइप की वीडियो बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और वीडियो लास्ट तक देखें, और जो भी मटेरियल्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किया वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, ईजिली से डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको क्या करना, प्रीसेट वगैरह जो इम्पोर्ट करना अलाइट मोशन में वो कर ले। जिसका प्रीसेट लिंक में नहीं हो रहा वो क्या करे, मतलब कि XML में इम्पोर्ट कर ले, लेकिन प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर लेना। सो इम्पोर्ट करने के बाद आगे बताता हूँ आगे क्या करना। सो सबसे पहले अलाइट मोशन ओपन करता हूँ, देन आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो यहाँ से मैंने अपने अलाइट मोशन को, यहाँ से जो मैं अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ, और अलाइट मोशन ओपन करने के बाद प्लस के राइट साइड में जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, और पहला आपको जो बीट मार्क प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको इस टाइप से ये सॉन्ग होगा और देन बीट मार्क लगे होंगे। और ये करीब 40 सेकेंड का है, देख सकते हो अप्रोक्स 40 सेकेंड का ये वीडियो है। तो आपको क्या करना, यहाँ पे सभी में आपको इमेजेस वगैरह नहीं ऐड करना, बीच में आपने लाइरिक्स भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइरिक्स कैसे लिखोगे गाइस, वो सारा कुछ मैं आज बताने वाला हूँ, और लाइरिक्स भी आपको अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आप अपने लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। सो जो मैंने लिखा ना आज, मैं वही लिख के मैं आपको बताता हूँ, जो आपको प्रीव्यू मैंने शो करा था वो वाला। सो सबसे पहले लिखने के लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना अपने इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में, और इफेक्ट प्रोजेक्ट को जिस से देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आपको ये लेयर देखने को मिलेगा। सो आपने लेयर पर टैप करना, देन दो डब्बे पे टैप करना, और यहाँ से कॉपी लेयर का ऑप्शन मिल रहा है। सो कॉपी लेयर पर टैप करके लेयर को कॉपी करना, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, और आपने चले जाना इस टाइप से बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में, देन एरो पर टैप करना। ये जो एरो दिख रहा है आपने इस पर टैप करना, देन आपको इस पे टैप करने के बाद अगले वाले बीट मार्क पे आना, देन यहाँ पे आपको क्या करना, दो डब्बे दिख रहे हैं, सो उस पे टैप करें, देन पेस्ट लेयर पे टैप करें तो ये लेयर पेस्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको इस पे टैप करना, देन अगले वाले बीट मार्क पे चले जाना, और जाने के बाद आपको स्पीड वाले ऑप्शन में जाना, और इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको यहाँ तक लाना, और यहाँ तक लाने के बाद उसको एडिट करना, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिखे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर टैप करना, देन एडिट टेक्स्ट में जाना, और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट को चेंज करना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे सिंपल से मैंने कुछ इस टाइप से लिखा, विश यू वंडरफुल, तो यहाँ से कुछ हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे स्पेस डाल के लिख देता हूँ वंडरफुल। सो यहाँ से मैंने कुछ इस टाइप से लिख लिया। तो अगर जो भी आपका मन है ना गाइज वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से लिख लिया, और हमारा जो है काम खत्म हो गया। तो देख सकते हो पहले लाइन कुछ इस टाइप से आएगा। तो इस टाइप से आएगा और ये इस टाइप से देखने को मिलेगा। देन अगले वाले लेयर पे जाएंगे और देन इस वाले लेयर को आप कॉपी कर लेंगे क्योंकि बार बार हमें बड़ा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लेयर को कॉपी करके कर लिया और फिर भी ये छोटा पड़ रहा है तो आपको इस पर टैप करना। देन स्पीड वाले ऑप्शन में जाएंगे और स्पीड वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको यहाँ तक लाएंगे। देन फिर सारी टेक्स्ट चेक करना, उससे पहले हम क्या करते हैं सभी लेयर को पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना, किस वाले पॉइंट पर आने के बाद पेस्ट लेयर करें। देन फिर से आगे एरो पे जाना और इस टाइप से आपको पेस्ट कर लेना। सो पेस्ट कर लें तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये वाला एडजस्ट हो गया। देन इस वाले को एडजस्ट करना, सो इस पर टैप करें और स्पीड वाले ऑप्शन में जाकर इस टाइप से इसको सेट कर लें। देन इस पर कट लगाना, सो कट कैसे लगाओगे, आपने इस पर टैप करना, फिर से स्पीड वाले ऑप्शन में जाके ही कट लगाए तो आपको इफेक्ट में कोई पंगा नहीं पड़ रहा, ठीक है। देन आपको क्या करना गाइस, आपको जो है एडिट टेक्स्ट कर लें। सो एडिट टेक्स्ट कैसे करना मैं बता रहा हूँ। सो आपने इस पर टैप करना, एडिट टेक्स्ट में जाना और जो भी आपका लाइन हो ना, ABCD जो भी है तो वो लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख लें। देन फिर से आपको अगले वाले लेयर पर टैप करना है और लेयर पर टैप करने के बाद आपको एडिट टेक्स्ट में जाना और यहाँ से आपको लेयर लिखना है, मतलब कि लाइन लिखना है। तो यहाँ से मैं लाइन लिख लेता हूँ, फिर आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे लाइन वगैरह लिख लेने के बाद गाइस आपको क्या करना, आपको कुछ इस वाले पॉइंट पे आ जाना, मतलब कि इस वाले पॉइंट तक आपको लिखना होता है, ठीक है। सो देख ले कहाँ तक लिखना, मैं बाद में शो कर लूँगा जहाँ तक मैं लिखूँगा। तो यहाँ से मैं बाद में प्ले करके देखूँगा म्यूजिक कहाँ से बीट स्टार्ट हो रहा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। सो यहाँ से आपको फोर्स सबको इंपोर्ट करना है बिल्कुल एंड तक 40 सेकंड, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्लस के ऑप्शन पर टैप करेंगे। देन मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे और मीडिया के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से ऑल पे करेंगे और ऑल पे करने के बाद गाइज आपको ये सारे देख सकते हो कितने सारे इमेज है, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ईजिली से जाकर डाउनलोड करके इंपोर्ट करना। सो इंपोर्ट कैसे करना, आपको कोई सा भी इमेज पर टैप करना। देन थीटर पे टैप करके यहाँ से फील कॉम्पोजिशन एक ऑप्शन है, सो इस पे टैप करना। देन एरो पे टैप करना, अगले वाले बीट मार्क पे जाने के लिए इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं। देन फीचर प्लस पे टैप करें इमेज एंड वीडियो। देन से यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे, थीटर पे टैप करके फील स्क्रीन फील कॉम्पोजिशन एरिया। देन एरो पे टैप करें, अगले वाले बीट मार्क पे जाने के लिए इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएंगे। देन फीचर प्लस पे टैप करते इमेज एंड वीडियो और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे, थीटर पे टैप करके फील कॉम्पोजिशन एरिया। देन एरो पे टैप करके इस टाइप से कट लगाएंगे। सो इस टाइप से आपको इमेज सबको इंपोर्ट करना। सो प्लस पे टैप करते हैं इमेज एंड वीडियो और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे, थीटर पे टैप करके फील कॉम्पोजिशन या देन एरो पे टैप करके इस टाइप से कट लगाएंगे। सो गाइस इसी टाइप से जितने सारे भी यहाँ पे बीट मार्क करना उन सब पे आपको फोटो सबको इंपोर्ट करना। सो यहाँ से मैं इंपोर्ट करके बताता हूँ और एक लास्ट टाइम मैं बता देता हूँ कैसे इंपोर्ट करना। आपको बीट मार्क पर चले जाना था, नहीं यहाँ से ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन में। सो प्लस के ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ इमेज के ऑप्शन में जाएंगे, मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। सो यहाँ से कोई से भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और थीटर पे टैप करके यहाँ से फील कॉम्पोजिशन एक ऑप्शन मिल गया। सो उस पर टैप करेंगे। देन यहाँ पे उस टाइप से ऑप्शन पे टैप करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन पे टैप करी है फील कॉम्पोजिशन एरिया। देन एरो पे टैप कर इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं। सो इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इस टाइप से कट लगा सकते हो और इस साइड के लिए ये वाला और सेंटर के लिए ये वाला। सो इस टाइप से कट वगैरह लगा के अलाइट को एडजस्ट करें। तो यहाँ से मैं सारे फोटोज इंपोर्ट करके बताता हूँ आगे क्या करना है। सो गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस वाले पॉइंट तक लाइरिक्स को लिखा। देन उसके आगे जितने सारे भी बीट मार्क थे उन सब पे मैंने अलग अलग इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया, देख सकते हो। अगर आपके पास नहीं है गाइस तो आप रिपीट भी कर सकते हो, तो मैंने बहुत सारी इमेजेस रिपीट भी करा हुआ। सो गाइस अब आप बात आते हैं कि आपको इफेक्ट कैसे पेस्ट करना। सो इफेक्ट पेस्ट करने के लिए आपको ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक चलते हैं। देन आपको चले जाना इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ से आपको कुछ इस टाइप से 4-5 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो यहाँ सब एक एक करके मैं बताऊँगा कैसे लगाना। सो सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर आएंगे, देन फर्स्ट वाले इफेक्ट पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में जाएंगे, थीटर पे जाके कॉपी इफेक्ट करेंगे। यहाँ पे इफेक्ट का मैंने नाम नहीं दिया, बस आपको सिंपल से देख सकते हो यहाँ पे इमेज दिख रहा है। तो पहले वाले इमेज के इफेक्ट को कॉपी करके इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और अपने बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में चले जाना और जाने के बाद आपको कुछ इस हिसाब से आगे करके स्लाइड करना जहाँ से आपका फोटोशॉप का स्टार्ट होता है। तो यहाँ से ये वाला फोटोशॉप स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना गाइस, आपको इस पर टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में थीटर पर जाके पेस्ट। सो यहाँ से आपको क्या करना गाइस, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होना, मतलब टाइम देख सकते हो। देन एक इमेज छोड़ के एक इमेज पर पेस्ट करना। सो एक इमेज छोड़ दिया, देन एक इमेज पर पेस्ट करा, देन फिर से एक इमेज छोड़ दिया, देन एक इमेज पे पेस्ट करा, मतलब कि एक एक का गैप डालना। तो यहाँ पे देख सकते हो एक इमेज को छोड़ के एक इमेज पे पेस्ट करा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक इमेज को छोड़ दिया और इस वाले पॉइंट पे फिर से एक इमेज को पेस्ट करा और यहाँ से एक इमेज छोड़ दिया, देन इस वाले इमेज पे पेस्ट करें। सो यहाँ पे जहाँ तक मैं पेस्ट करूँ वहाँ तक पेस्ट करें। तो मैं यहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस वाले ड्यूरेशन तक पेस्ट करना, तो वीडियो को एंड तक बस देखते रहें। तो यहाँ से एक गैप डाल के पेस्ट कर लिया। सो यहाँ पे इस टाइप से पेस्ट करा और पेस्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका भाई, आपको सिंपल से आपने इमेज पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में थीटर पे जाके पेस्ट करना। सो इमेज पे टैप करना और इफेक्ट का ऑप्शन में थीटर पे जाके पेस्ट। सो मैंने पेस्ट करा, इसी टाइप से आपको कर लेना। और ये जो इफेक्ट है ना गाइज, एक छोड़ के एक इमेज पे छोड़ के कुछ इस वाले ड्यूरेशन तक करना, ठीक है। सो इस वाले ड्यूरेशन तक आपको पेस्ट करना है इमेज को, एक इमेज छोड़ के, मतलब कि जहाँ से लाइट खत्म हो वहाँ से स्टार्ट होना और इस वाले पॉइंट तक एक इमेज छोड़ के एक इमेज तक पेस्ट करना। तो यहाँ से मैं पेस्ट करके बताता हूँ आगे क्या करना है। यार यहाँ पे मैंने देख सकते हो जो है एक इमेज छोड़ के एक इमेज पे मैंने पेस्ट कर लिया और फर्स्ट वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद इसका काम खत्म हो गया। देन आपको क्या करना है, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और अपने इस बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में मतलब ये इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में चले जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप से इफेक्ट वगैरह देखने मिलेगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना, आप जो सेकंड वाला इफेक्ट है ना मतलब सेकंड वाला इमेज मिला सो उस पर टाइप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में आना, थ्री डॉट पर जाकर कॉपी इफेक्ट करना। देन आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और अपने इफेक्ट वाले मतलब कि बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में जाना और इस टाइप से आपको स्लाइड करके आगे जाना और यहाँ पे ये वाला इफेक्ट है ना वो भी आप ध्यान से देखें। तो आपको क्या करना, आपको आप सेकंड वाले फोटो से स्टार्ट होना, तो यहाँ से सेकंड वाले फोटो से स्टार्ट होना और इफेक्ट में जाके पेस्ट करना, सेकंड वाले इमेज से स्टार्ट होना और एक इमेज छोड़ के एक इमेज पे पेस्ट करना। सो जो एक इमेज छोड़ेगा उस पर आपको जो फर्स्ट वाला इफेक्ट होना चाहिए तो इसी टाइप से आपको पेस्ट करना। सो कहाँ तक पेस्ट करना आपको मैं बताऊँगा। सो इमेज पे टाइप करना, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट। सो यहाँ से इमेज पे टाइप करना और इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। सो देख सकते हो इसी टाइप से करना, इमेज पे टाइप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट। सो यहाँ से इस टाइप से करे और ये वाला इफेक्ट है ना गाइज आपको कौन सा ड्यूरेशन तक पेस्ट करना, सो इस वाले ड्यूरेशन तक पेस्ट करना। सो ये रहा, जहाँ पे आपको डबल बीट मार्क है वहाँ तक आपको पेस्ट करना। सो इसके पीछे आपको क्या करना, एक इमेज छोड़ के एक इमेज पे फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे करके लगाना, फर्स्ट सेकंड करके लगाना। तो इसे मैं पेस्ट करके बताता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइज यार यहाँ पे मैंने जो है सेकंड वाला इफेक्ट भी सब पे पेस्ट कर दिया जहाँ पे पेस्ट करना था। देन आपको क्या करना गाइज, आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन यहाँ पे आपको फिर से इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाने के बाद अब आपको क्या करना, यहाँ पे थर्ड वाला इमेज मिलेगा कुछ इस टाइप से। सो इमेज पे टाइप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पर जाकर कॉपी इफेक्ट करना। देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे और अपने चले जाएंगे इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाने के बाद गाइज आपको आगे स्लाइड करके जाना और स्लाइड करने के बाद जाना आपको जो जहाँ पे डबल बीट मार्क था। सो यहाँ पर डबल बीट मार्क है ना, सो इस वाले पे आएंगे। सो इस वाले इमेज से लेके आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना। सो कहाँ तक पेस्ट करना आपको पेस्ट करते रहना। सो वहाँ से स्टार्ट होंगे, मैं बताता हूँ कहाँ तक पेस्ट करना। सो इमेज पे टाइप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट। सो इमेज पे टाइप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट। सो इमेज पे टाइप करें, सो यहाँ पे आपको थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है। सो जूम करके पेस्ट करें। सो इमेज पे टाइप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट। सो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। सो कुछ इस टाइप से इमेज पे टाइप कर, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट और यहाँ पे इफेक्ट पे टाइप करना, कुछ इस टाइप से पेस्ट करना। सो इस पे भी कर लेना, ये दो इमेज है सो इस पे भी करना है। देन इसके बाद गाइज आपको कुछ इस वाले ड्यूरेशन तक पेस्ट करना था, ठीक है। सो इस वाले ड्यूरेशन तक आपको पेस्ट करना है। सो पेस्ट करने के बाद आपको इसके जो आगे वाला इमेज है इन पर कोई और इफेक्ट लगाना। तो आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और अपने इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना और आपको अब थर्ड नंबर वाले मतलब कि फोर्थ नंबर वाले इफेक्ट को पेस्ट करना। सो इमेज पे टाइप कर, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करना। देन इस प्रोजेक्ट से बैक आना और अपने चले जाना है इस टाइप से अपने बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे स्लाइड करके आगे जाना और जाने के बाद आपको गाइज जो ये वाला इमेज है मतलब कि इस वाले ड्यूरेशन पे इमेज है ना, इस पे पेस्ट करना। सो इमेज पे टाइप कर, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट। तो पेस्ट कर दिया। देन आपको क्या करना गाइज, ये जो तीन इमेज है ना, तीन चार मतलब कि एक दो तीन, तीन इमेज, ये इमेज तीनों को छोड़ देना। देन अगले वाले इमेज पर पेस्ट करें, ठीक है। सो ये तीनों पर कोई और इफेक्ट लगाना। देन फिर से आपको एक इमेज छोड़ के एक इमेज पर पेस्ट करना। तो पेस्ट करा। देन फिर से एक इमेज को छोड़ दें, अगले इमेज पर पेस्ट करें। सो किया। देन फिर से एक इमेज छोड़ दें, देन अगले इमेज पर पेस्ट करें। इस टाइप से पेस्ट कर लेना और पेस्ट करने के बाद गाइज आपको फिर से इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना होता है ना, आपको इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में चले जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको जो है इस टाइप से ये जो फिफ्थ नंबर वाला होगा सो इसको इफेक्ट को कॉपी करना। सो ये इमेज पे टाइप कर, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर कॉपी इफेक्ट करना। देन इस वाले प्रोजेक्ट से वापस बैक आएंगे और अपने बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे और जाने के बाद आपको इस टाइप से स्लाइड करके आगे जाना और यहाँ एंडिंग से स्टार्ट होना और एंडिंग से स्टार्ट होने के बाद इन सभी इमेज पर पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर जो इमेज बच गया ना उन सब पे पेस्ट करना और बस वो जो तीन इमेज मैं बताऊँगा ड्यूरेशन, तो वो तीन इमेज को छोड़ के बाकी सब पे पेस्ट करना। सो इन पे पेस्ट करें। सो कर दिया। देन इस वाले इमेज पे भी पेस्ट करें। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। देन फिर से आपको इस वाले प्रोजेक्ट से स्टेप से स्लाइड करके आगे जाना और ये तीन इमेज, ठीक है, एक दो तीन। सो ये तीन इमेज को देख लें आपको इस वाले ड्यूरेशन से लेके और इस वाले ड्यूरेशन तक, ये तीन इमेज को छोड़ देना। देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक पीस से बैक आना और चले जाना अपने इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ से आपको लास्ट वाला इमेज मिलेगा। सो इमेज पे टाइप करना, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करें और देन आपको क्या करना गाइज, अगर ऐसा आपको कलर लाना है अपने इमेज पे, सो आपने इस पर टाइप करना। देन यहाँ पे ये जो दो डब्बे दिख रहे उस पर टाइप करके कॉपी लेयर करना। देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और अपने बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में चले जाना और बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में जाने के बाद गाइस जहाँ पे आपको यहाँ से आपका जो है इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है मतलब फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। सो आपने दो डब्बे पे टैप करना और यहाँ से आपको पेस्ट लेयर कर लेना और लेयर पेस्ट हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देन आपको एंडिंग में आना और एंडिंग में आने के बाद आपने इस पर टैप करना जो ऊपर आपने लेयर ऐड करी है। देन आपको क्या करना, टैप करने के बाद आपने जो स्पीड वाले ऑप्शन में जाना। सो स्पीड वाले ऑप्शन में जाए, इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको यहाँ तक ले आना। सो देख सकते हो सभी का कलर रेड हो गया। सो इस टाइप से कर लें। देन आपको क्या करना गाइज, आपको जो तीन फोटो छोड़ा था उन सब पे भी इफेक्ट लगाना। सो इमेज पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेज। सो इमेज पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेज। सो इमेज पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद गाइस हमारा जो इफेक्ट का काम खत्म हो गया। देन आपको क्या करना है, जहाँ से फोटो सब स्टार्ट होना है उस वाले ड्यूरेशन पे चले जाना है। सो यहाँ से फोटो सब स्टार्ट हो रहा है। सो इस वाले ड्यूरेशन तक आ गए हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जो है PNG को ऐड करना। सो यहाँ पे आ जाना है, देन आपको स्लाइड करके आगे जाना और PNG। सो कुछ इस टाइप से ये वाला PNG होगा। तो आपने इसको ऐड कर लेना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, राइट से थर्ड ऑप्शन है, इस टाइप से इसको जूम कर लेना। सो जितना जूम कर सकते हो जूम कर लेते हैं। आपको क्या करना, स्लाइड करके इस टाइप से नीचे को एक एडजस्ट करना। सो देख सकते हो कुछ इतने पे एडजस्ट करें, वरना आपको इस टाइप से स्लाइड करके इसको साइज़ को बड़ा भी कर सकते हो। सो बड़ा करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको स्लाइड साइज़ को फिट करना। देन आपको क्या करना, एंडिंग में जाना। और एंडिंग में जाने के बाद आपको इस पर वापस से टैप करना, ये जो आई का ऑप्शन है। सो इस पर वापस से टैप करें, देन इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको एंडिंग तक लाएंगे। और एंडिंग तक लाने के बाद एक टेक्स्ट PNG को करेंगे, बस आपका वीडियो बन जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आए इस वाले ड्यूरेशन तक। आपको इस वाले ड्यूरेशन पे आने के बाद आपको प्लस पे वापस से टैप करना, इमेज एंड वीडियो में जाना। और यहाँ से ये वाला जो है PNG होगा। सो इस टाइप से ऐड करें, देन इस टाइप से इसका साइज़ को छोटा करें। सो जितना आप छोटा करना चाहते हो सो छोटा रखें। देन आपको क्या करना है, इस टाइप से नीचे को सेट करना है। सो यहाँ से मैंने नीचे कुछ इस टाइप से सेट कर लिया। और सेट हो जाने के बाद गाइस हमारा फाइनली जो वीडियो बन के तैयार हो गया। सो देख सकते हो। देन इसको जो एंडिंग तक लाना। सो यहाँ एंडिंग तक आया, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको एंडिंग तक ले आना। सो फाइनली हमारा जो एंडिंग तक आ गया, देन हमारा जो वीडियो बन के तैयार हो गया। सो गाइस अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना वो रहा। तो आपको सेटिंग पर टैप करना और जो सेटिंग पर टैप करने के बाद इसका FPS को 60 कर लेना। ठीक है। और 60 करने के बाद आपको सेटिंग के राइट साइड में आइकन मिले। सो उस पर टैप करें, देन वीडियो पर टैप करना। एक्सपोर्ट पर टैप करें तो एक्सपोर्टिंग पर लग जाएगा। सो गाइस यार जिसका एक्सपोर्ट नहीं आ रहा वो क्या करे, सेटिंग के जो राइट साइड में टैप करने के बाद वीडियो पे टैप करें और यहाँ से क्वालिटी वगैरह लो कर सकते हो। तो जितना लो करना चाहते हो लो करें, देन एक्सपोर्ट पे टैप करें तो एक्सपोर्टिंग में लग जाएगा। सो गाइस यार कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।